दिल्ली एमसीडी चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे ही सरगर्मियां भी जोर शोर से हो रही हैं। सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन था और 14 नवंबर को सभी ने बढ़ चढ़ कर जो है अपना नामांकन किया, जितने भी प्रत्याशी थे। वहीं अगर बात की जाए वसंत विहार वार्ड 153 की प्रत्याशी राजरानी, जो कि बीजेपी की प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी अपना नामांकन भरा। और वहीं उनके जो ससुर हैं वो और खुद राजरानी जो कि प्रत्याशी हैं, उन्होंने बताया कि बीजेपी इस सीट से भारी मतों से जीत के आएगी, क्योंकि राजरानी वो प्रत्याशी हैं जिनके ऊपर बीजेपी के सबसे पुराने नेता, जी हाँ, उनके ससुर राधेश्याम शर्मा का बहुत बड़ा राजनीतिक जो सफर है वो भी है। साथ ही साथ जो उनका एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के माध्यम से कहीं ना कहीं उनको एक प्रेरणा मिली और इसी वजह से वो इस बार जो है वसंत विहार वार्ड 153 से चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने अपना नामांकन भरने के बाद क्षेत्र की जनता को ये विश्वास दिलाया कि क्षेत्र में जो भी रुके हुए काम थे उसको वो आते ही जल्द से जल्द पूरा करेंगी। और वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी ये विश्वास दिलाया कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास किया उस विश्वास पर वो खरी उतरेंगी। आइए सुनवाते हैं कि उन्होंने नामांकन भरने के बाद क्या कहा। मैं वसंत विहार वार्ड से जो सफाई के सफाई अभियान का पूरा जो कार्य हैं उनके ऊपर मैं काम करूंगी। जहां ये गंदगी जो कुछ मुझे लगेगा कि यहां बहुत ज़्यादा सफाई का की ज़रूरत है मैं पूरे एरिया में अच्छे से कार्य करूंगी। अच्छा, आपके जो ससुर जी हैं वो काफ़ी अनुभवी हैं जी राजनीति में जी, तो क्या लगता है उनके काम का असर देखने को मिलेगा या मदद मिलेगी उसे? जी मैंने उन्हीं से सीखा है, मैंने उनको देखा है काम करते हुए। जब वो पहले काउंसलर रहे तो उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठ के पार्कों में पेड़ के नीम के पेड़ के नीचे बैठ के उनसे मतलब समस्याओं पे विचार किया और अपने क्षेत्र में पूर्ण रूप से अपना मतलब 100% दिया। वैसे ही मैं अपील करूंगी वसंत विहार की जनता से कि मुझे भारी मतों से जिताएं और मैं उन्हीं की तरह उनके विश्वास पर खरी उतरूं। देखिए हम 24 घंटे और 365 दिन पद पे हों या बिना पद के हों जनता के टच में रहते हैं और जनसेवा अपनी पूरी शक्ति से अधिकार के साथ बिना अधिकार के भी जो कर सकते हैं वो करते हैं। इसलिए हमें चुनाव लड़ने में कहीं किसी किस्म की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मैं प्रभु से शुक्रगुजार हूँ प्रभु का कि मैं जब फील्ड में जाता हूँ, 5 साल में पार्षद नहीं था लेकिन जब मैं फील्ड में जाता हूँ तो कहीं ना कहीं मन को इतनी खुशी होती है कि जब लोग मेरे कार्यकाल की मेरे से चर्चा करते हैं और बात करते हैं कि भाई आपने जो किया है वो हम लोग आज तक भूले नहीं हैं। तो मैं केवल एक बात कह के बात करूँगा कि मैं जब चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी था, पार्षद था, लीडर ऑफ द हाउस था, हम निगम में ऐसी ऐसी चीज़ें लेके आए लेकिन हर चीज़ का रिजल्ट होता है। आज हम ढलाव समाप्ति की ओर जा रहे हैं दिल्ली में, जो दिल्ली के चेहरे पे एक बदनुमा धग्गे की तरह नज़र आते थे जगह जगह ढलाव, धीरे धीरे हम लगभग 40-50% तक ढलाव ख़त्म कर चुके हैं दिल्ली में और आने वाले समय में आपको दिल्ली में कोई ढलाव देखने को नहीं मिलेगा। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन हम शुरू कर चुके हैं, कुछ इलाके में शुरू हो गया, कुछ इलाके में अब शुरू हो जाएगा। हम ओपन जिम का कंसेप्ट लेके आए, उससे पहले निगम ओपन जिम का कोई कंसेप्ट नहीं था। नाले के पानी को रिसाइकलिंग करके पार्कों में यूज करने का कंसेप्ट हम लेके आए थे 2012 से 2017। चुनाव में आपका अनुभव जो है वो काफ़ी आपको मदद देगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार थोड़ी सी जो चुनाव है ना वो थोड़ा बदल गया है। इस बार आपके विपक्ष में आम आदमी पार्टी है जो पहले नहीं थी, तो कैसे लेंगे आप, क्योंकि वादे उन्होंने भी बहुत बड़े बड़े किए हैं। देखिए जनता उस चीज़ को याद करती है जो उसके सामने जिसने सेवा की है या काम किया है,
जनता मोदी जी के जो 8 साल के कार्यकाल है उसमें जो मोदी सरकार ने, भाजपा ने, मोदी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो करके दिखाया है, जनता उस पर विश्वास करती है। जनता झूठे वायदों पर विश्वास नहीं करती है। जो दो मैंने पहली बात कही कि जो ये निगम का चुनाव है, ये पार्टी के साथ साथ व्यक्ति का भी चुनाव है। व्यक्ति कितना प्रभावशाली है, उसकी छवि क्या है जनता के बीच में, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है।